क्या होता है ना, उनके मन में होता है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। हर साल के ट्रेंड के अनुसार और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आज है 30 अप्रैल, तो आज रात में 12 बजे के पहले मेरे हिसाब से एनटीए वाले 11-12 बजे ही कुछ ऐसा अपडेट देते हैं, एडमिट कार्ड या फिर कुछ भी अपडेट, पोस्ट कार्ड फोटो साइज, पोस्ट कार्ड फोटो आप लोग को उसमें पेस्ट करना होता है, फिर आपको छोटा वाला पासपोर्ट साइज लेकर जाना होता है, फिर इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ने होते हैं, कुछ चेंजेस होंगे तो वो देखने होते हैं, कुछ नया तो गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। और हाँ दोस्तों, आपसे का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज का वीडियो ना फ्रेशर्स लोग के लिए, फ्रेशर इन द सेंस कि जो क्लास ट्वेल्थ को पास आउट इस बार किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं क्लास ट्वेल्थ का, और इस बार फर्स्ट टाइम नीट के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं ट्वेल्थ वालों का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं ना, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट भर भर के रहता है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो कि गलत होता है, उनके प्रिपरेशन को इफेक्ट कर सकता है, जो कि है चिंता, वो भी बेमतलब का चिंता। चिंता करना ठीक है, वाजिब है, थोड़ा सा कर लो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट को देख लो एक बार रिसर्च करके, लेकिन हर समय चेक करते रहोगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या, ये सब चिंता छोड़ दो। अगर एडमिट कार्ड आता है तो डाउनलोड कर लेना सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो पे भी आके देख सकते हो, मैं अपडेट दे दूंगा। क्या होता है ना, उनके मन में होता है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, तो ड्रॉपर्स तो इस बात को जान रहे होंगे कि हर साल का क्या ट्रेंड होता है, कब रिलीज़ कर दिया जाता है एडमिट कार्ड। बट मैं फ्रेशर्स को बताना चाहूँगा, आज है 30 अप्रैल, ठीक है, आज है 30 अप्रैल, और एग्ज़ाम में आपके नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है, जो कि यहाँ से एग्जैक्ट 5 डेज बाकी है, 5वां दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा। हर साल के ट्रेंड के अनुसार और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आज है 30 अप्रैल, तो आज रात में 12 बजे के पहले मेरे हिसाब से एनटीए वाले 11-12 बजे ही कुछ ऐसा अपडेट देते हैं, एडमिट कार्ड या फिर कुछ भी अपडेट देना उनको, कुछ भी चेंजेस करना, कुछ भी। तो आज 30 अप्रैल के रात रात तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, कंफर्म आज ही जाएगा मेरे हिसाब से। और अगर आज नहीं आए किसी कारणवश तो कल तो कन्फर्म आना है, कल के बाद डिले नहीं होगा, क्योंकि कल है 1 तारीख, और आपको एडमिट कार्ड में भी कुछ कुछ रेडी करके ले जाना पड़ता है, जैसे कि पोस्ट कार्ड फोटो साइज, पोस्ट कार्ड फोटो आप लोग को उसमें पेस्ट करना होता है, फिर आपको छोटा वाला पासपोर्ट साइज लेकर जाना होता है, फिर इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ने होते हैं, कुछ चेंजेस होंगे तो वो देखने होते हैं, कुछ नया तो गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। इन मैं तो बोलूँगा कि मैं अभी एडमिट कार्ड भी तुम्हें दिखाऊँगा प्रीवियस ईयर का, तो उस पर क्या लिखा होता है कि घर से ही करके आना, ठीक है, और एक फ़ोटो भी घर से ही पेश करके आना था। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि अगर वहाँ नहीं भी कोई करके जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रेफरेंस आप लोग को दिया जाता है कि भाई लो थंब इम्प्रेशन लगा लो, लो भाई यहाँ पे फ़ोटो के लिए पेश कर लो, क्योंकि आपको एक पेस्ट करके जाना होता है और आपको एक लेकर जाना होता है वहाँ अटेंडेंस शीट के लिए, वहाँ पे भी वो पेस्ट करवाते हैं फ़ोटोज़ को, समझे। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में पूरे अच्छे से कि कैसे क्या करना है। तो जैसे ही आएगा ना, तो आपको किस वेबसाइट पे जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर मैं गलत बोल दिया तो गलत मैं बोलने जा रहा हूँ कि कौन से वेबसाइट पे आपको ऑफिशियली जाना है। इस बार का वेबसाइट का नेम मैं यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा, देख लेना, यहाँ पे मैं एक बार बोल भी देता हूँ, exam.nic.ac.in पे आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहीं पर सारा चीज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट इस बार का NTA वालों ने जनरेट करके रखा है। फिर से मैं बोल देता हूँ exam.nic.ac.in पे, और अगर वहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हो, बहुत घूम फिर बहुत लोग इधर उधर घूम जाते हैं, रिडायरेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो करना क्या आपको, सिंपली मैं जो रेगुलर वेबसाइट यूज़ करता हूँ और फिर इंडिया के सारे लगभग स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, वो बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट, आपको गूगल पे जाना है, सर्च बार में सरकारी रिजल्ट टाइप करना है, और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक इंटरफेस खुल कर आएगा, तो आपका ऊपर में देख रहा हूँ यहाँ पे कॉलम्स बने हुए, उसी कॉलम में से एक कॉलम आपका नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड का बन जाएगा। और अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो आपको ये कॉलम दिख रहा होगा, ये कॉलम लास्ट कॉलम है, यहाँ पे जितने अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाले उनके एडमिट कार्ड आपके, ये यहाँ से क्लिक करोगे, जो जो भी एग्ज़ाम में तुम अपीयर करने जा रहे हो, जिसका एडमिट कार्ड
जिसका एडमिट कार्ड तुम्हें डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करोगे, आपको वो एक पेज खोल के देगा और जैसे ही वहाँ पे सारा चीज़ वहाँ पे अपडेटेड रहेगा कि फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म का लास्ट डेट कब था, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब होने वाला है, एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है, तो वहाँ पे नीचे जाओगे तो एक लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे वो लिंक आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका रिडायरेक्ट कर देगा, यही वाला वेबसाइट जो NTA वालों की तरफ से आप लोग के सामने आप लोग के लिए जनरेट किया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि आपका एडमिट कार्ड किस तरीके का होने वाला होता है, किस तरीके का होता है। प्रीवियस ईयर का मैं यहाँ पर रेफरेंस ले रहा हूँ और नया एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई नया एडमिट कार्ड आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है 2023 का एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है, उसके नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट, सेंटर, सारा चीज़ आपका यहाँ रहता है। और नीचे में तीन कॉलम बनाए होते हैं जहाँ पे आपके कैंडिडेट फ़ोटो हैं वहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा, जो कि लिखा हुआ है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भरे हो ना एग्जैक्टली वही फ़ोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पहुँचने के पहले। और यहाँ पे कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ लगेगा, जो कि आपको ये भी घर से करके जाना है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स का साइन, जो आप जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो उनका सिग्नेचर लगेगा, और ये इन्विजिलेटर के सामने करना है, मतलब ये जाने के बाद करना है, ये पहले नहीं करना है। ये है आपका फर्स्ट पेज एडमिट कार्ड का, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पेज। अब इसके पीछे भी एक पेज होता है, देखो ये है आपका सेकंड पेज। यहाँ पे क्या है ना, देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड बड़ा वाला जो साइज़ का फ़ोटो आपने निकलवाया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, फॉर्म फिल करने के समय, तो वो फ़ोटो को यहाँ पे साइन, यहाँ पे पेस्ट करना है, उस पोस्ट कार्ड फ़ोटो को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे साइज़ वगैरह सब मेंशन किया हुआ है। और आपको मैं बता दूँ, ये फ़ोटो के एग्ज़ाम से निकल जाओगे ना, ये फ़ोटो पे साइन करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट या डाउन टू बॉटम टू अबव करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपका वही रोल नंबर, सारा नाम वगैरह दिया होगा। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेंगे जो आपके गार्डिंग कर रहे होंगे एग्ज़ाम में, और यहाँ पे आपका साइन लगेगा, ठीक है, इन्विजिलेटर के सामने। तो यहाँ पे आपका एक यहाँ पे साइन हो गया और एक फ्रंट पेज में यहाँ पे साइन हो गया, ठीक है। दो आई होप कि आप एडमिट कार्ड को समझ गए होंगे। तो एडमिट कार्ड पे क्या करना है अच्छे से मैं बता चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि एक मेरा ये फ़ोटो है, वेट, एक मेरा ये है आपका पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, जो कि आपका एडमिट कार्ड के सेकेंड पेज पर पेस्ट करना होगा। और ये है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये फ़ोटो आपको दो लेकर जाना होगा, एक मैं आपको पहले से ऑलरेडी चिपका कर जाना है घर से फर्स्ट पे, जो मैं अभी जैसा कि वीडियो में बताया, यहाँ पे आपको वो फ़ोटो को पेस्ट करना है, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और यहाँ पे आपका साइन देना है, लेकिन ये घर से करके मत जाना, ये इन्विजिलेटर के सामने करना है, ठीक है। और सेकेंड पेज में दिखाता हूँ, सेकेंड पेज में आपको ये फ़ोटो को पेस्ट करना है जस्ट लाइक दैट, ये है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है फ़ोटो को, और फ़ोटो पे वो लोग साइन करवाते हैं। तो ये प्रॉपरली पेस्ट करना, बहुत लोग उखड़ रहा होता है, तो प्रॉपरली ढंग से पेस्ट कर लेना जिससे पेस्ट करना होगा। और यहाँ पे भी आपको साइन करना है, जो कि क्लास में जाकर करना है, और यहाँ पे वो इन्विजिलेटर साइन करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये एडमिट कार्ड वापस से आपको घर लाने को नहीं मिलता है, ये एडमिट कार्ड सेंटर पर सबमिट कर लिया जाता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मैं बोलूँगा एडमिट कार्ड का फ़ोटो कॉपी आप दो तीन कॉपी करवा लेना, काम आता है। अगर आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है तो आपका ये एडमिट कार्ड भी सबमिट होता है जिस कॉलेज को आपको अलॉट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा एडमिट कार्ड का आने के बाद चार कॉपी ज़रूर करवा के रख लेना। और ये आपको मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से मन में होता है कि कलर निकलवाऊँ या प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट निकलवाऊँ, कोई ये ज़रूरत नहीं है, कलर चाहते हो तो कलर निकलवाओ, कोई इशू नहीं है इसमें, और प्रिंट अगर ब्लैक एंड वाइट चाहते हो तो ब्लैक एंड वाइट निकलवाओ। तो मैं बोलूँगा बहुत लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए कलर प्रिंट आउट एक निकलवा लेना, जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप जो सबमिट करने वाले होगे वो लेकर जाना कलर, और घर के लिए फिर आगे इन फ्यूचर के लिए तीन फोटो कॉपीज़ का करवा लेना ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा एडमिट कार्ड के बारे में, कि आपका एडमिट कार्ड कैसा होता है, आपको उसमें क्या क्या करना होता है। स्पेशली ये फ्रेशर्स लोग के लिए इन्फॉर्मेशन था, इस वीडियो में फ्रेशर्स लोग का
जो क्वेरी होगा दिमाग में, जो कन्फ्यूज़न होगा, वो आई होप कि दूर हो जाएगा इस वीडियो को देख कर। अगर नहीं भी होता है, कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग नीट एडमिट कार्ड या कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आई होप कि ड्रॉपर्स को तो उतना दिक्कत नहीं आना चाहिए, ड्रॉपर्स तो को सब चीज़ पता होता है। और मैं यही बोलूँगा, अगर फ्रेशर हो फर्स्ट टाइम, तो आप इन सब में टाइम अपना वेस्ट ना करें, अभी जितना से जितना टाइम रिवीजन में दे सकते हो देते रहें। और मैं इस चैनल पे आपका टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करवाऊँगा, जो होगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा। और कुछ भी इधर उधर का आपको वीडियो लगता है, उस वीडियो को इग्नोर करो, और जो आपको काम का वीडियो लगता है आपके लिए, स्पेशली मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो इस बार 2024 में दे रहे हैं। और मेरे वीडियो पे तो आपको पता है, मेरे चैनल पे तो आपको इन्फॉर्मेशनल ही वीडियो मिलेगा, इधर उधर की बातें तो होती नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन्हें नहीं पता है, ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करें, फर्स्ट टाइम जो देने जा रहे हैं। और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में, आप फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई सबको देता हूँ। और अगर कॉमन क्वेरी रहा तो मैं एक वीडियो को रेडी करता हूँ, आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप अगर मेरा वीडियोज़ को रेगुलर देखते होंगे। तो कुछ भी करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे पास तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था, मैं अरेंज किया था इसे, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट टाइम तो उतना नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि टेलीग्राम पे इसे मैं शेयर कर दूं पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो अगर आपको देखना है एक बार, मैं तो बोलूंगा एक बार देख लेना, फ़ायदा ही होगा कुछ ना कुछ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे पास, 2022 का है ये, 2022 का पेपर है ये, तो काम ही आएगा। तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक, और इवन इंस्टाग्राम पे भी मैं लिंक, इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहाँ पे भी मुझे आकर बात कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।